सो मच, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। एक एक्टर एप्रिसिएशन का ही भूखा होता है और शायद भूख अब लगनी शुरू हो गई है। जी जी, अब जानना चाहेंगे किस प्रकार का किरदार है और किस। मैं मूवी के अंदर प्ले कर रहा हूँ रोल ऑफ मिर्ज़ा। मिर्ज़ा आप शायद अब तो आप पता ही चल गया होगा इतनी देर से कि मिर्ज़ा साहब आप लव स्टोरी नाउ एवरीवन नोज़ दैट। तो आई एम प्लेइंग ए रोल ऑफ मिर्ज़ा एंड द पास्ट मिर्ज़ा एंड द मॉडर्न मिर्ज़ा इन द मूवी एंड इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड लव स्टोरी। एंड सानवी आपसे जानना चाहेंगे, मिर्ज़ा साहब एक बहुत पंजाब की मिट्टी जिसको कहते हैं बहुत प्रचलित कहानी है, जी जी जी, तो बहुत टफ हुआ रहा होगा आपको ये किरदार करना, तो क्या फील कर रही और कैसा लगा इस किरदार को करते हुए, कितना जस्टिफाई कर पाई? सी आई गिव माय बेस्ट बट एज अ न्यू कमर मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा है उसको जस्टिफाई कर दिया। बचपन से ये लव स्टोरी सुनती आई हूँ पंजाब में, यू नो हर किसी को ये लव स्टोरी पता होता है, सुनती आई हूँ। मैंने अब बहुत ट्राई किया कि मैं इसको अपना बेस्ट दे सकूँ, आई गिव माय बेस्ट, बाकी ऑडियंस पे डिपेंड है। आई एम प्लेइंग साहिबा रोल इन दिस मूवी, मॉडर्न साहिबा और फ्लैशबैक में पुरानी साहिबा, तो मुझे लगता है लोगों को पिक्चर पसंद आएगी और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पिक्चर पसंद आए बिकॉज हमने बहुत मेहनत की। इंस्पायर एक्टर सी मुझे सब पसंद है, मुझे श्रीदेवी जी पसंद है, माधुरी दीक्षित जी पसंद है, अच्छा एक्टर मुझे पुराने में राजेश खन्ना जी पसंद है, न्यू में सलमान खान तो क्रश है सबका, तो ऑलवेज मेरा भी सलमान खान सर है। सन में अगर बात करें आपके किरदार की, तो मैं देख रहा था तो ट्रेलर देख रहा था तभी जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हुए थे उनकी आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी, कैसे कर लिया आपने ऐसा? इसमें हमारे डायरेक्टर मिस्टर हेमंत प्रीति, उन्होंने हमें बहुत चीज़ें सिखाई, बारीकियाँ सिखाई एक्टिंग की, और सारे हमारे जो साथ कोस्टार थे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो यू नो जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हो तो वो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ, जैसे कबीर बेदी जी हैं, रंजीत जी हैं, मतलब एक पूरा फैमिली का माहौल था, उन्होंने सिखाया बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे फर्क तो पड़ता ही है पर्दे पे। स्टार्टिंग में टू मच एक्चुअली, बहुत लड़ाई होती थी। सुरेंद्र साहब का केमिस्ट्री कैसा रहा सानवी के साथ? सेम टू सेम। फेवरेट एक्टर्स रीसेंट टाइम्स और रीसेंट आई थिंक अभी सलमान खान। ओके, यू टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेस सानवी, सानवी ये मेरे वर्ड्स नहीं है अभी। पहली बार आप फिल्म में आए तो शूटिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या किस तरीके से आपने तैयारी की शूटिंग इस बिल्कुल भी आपको इस एक प्रचलित कहानी पर बनाया तो कैसे आपने उस ढांचे में अपने को ढाला? जी हमने जैसे कि मैंने बताया हमारे डायरेक्टर ने हमें काफ़ी क्लासेस लगाई, वर्कशॉप्स की, ऑलवेज हर एक्टर फिल्म स्टार्टिंग से पहले वर्कशॉप्स करता है, हमने वही की और कोशिश की जितना से जितना हो सके हम उस किरदार में अपने आप को ढाल सकें और काम किया। किसके साथ काम करना चाहती हैं अभी? सी अभी अभी मैं बहुत दिस इज माय स्टार्ट एक्चुअली, आई एम जस्ट जीरो राइट नाउ। आई वुड लाइक टू वर्क विद रणवीर सिंह एंड सलमान खान। अच्छा, आपकी पहली फिल्म है, शुरू में नर्वस हैं आप लोग या फिर क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी है, पैल्पिटेशन भी है हार्ट में, माइंड में, पूरी बॉडी में, क्योंकि जी जी सूर्यांश और सानवी दोनों से जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद है इस फिल्म से, बिकॉज ऑफकोर्स उम्मीद तो होगी लेकिन किस तरीके से उम्मीद करते हैं? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जितनी मेहनत करी है उसका अप्रिसिएशन मिल जाए, उसका लोग पसंद करें उसको जो हमने काम किया है, बस यही चाहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, लोग हमें पसंद करें और हमारी फिल्म को देखने मूवीज सितंबर में रिलीज।